हेलो आई एम डॉक्टर अभिषेक आनंद और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स अगस्त 2023 का तो आइए देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं इकोनॉमिक्स में अगस्त 2023 में इंडिया कोर सेक्टर विटनेस्ड इन जून 2023 थाउजेंड एन इम्प्रेसिव ग्रोथ रेट ऑफ 8.2 पॉइंट टू परसेंट विच इज़ द हाइस्ट इन फाइव मंथ्स तो जो डाटा निकल कर आया है उसमें यह है कि इंडिया का जो कोर सेक्टर है उसका ग्रोथ रेट 8.2 पॉइंट टू परसेंट रहा है जो कि फाइव मंथ्स में हाइएस्ट है तो अब यहाँ पर सवाल उठता है या मन में आता है कि कोर सेक्टर क्या क्या है तो कोर सेक्टर्स में हम लोग एट कोर सेक्टर्स की कंपनीज इंडस्ट्रीज रहती हैं जिसमें इंक्लूडेड है कोल का क्रूड ऑयल स्टील सीमेंट इलेक्ट्रिसिटी फर्टिलाइजर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस और ये जो कोर इंडस्ट्री है ये इसका जो शेयर है ये लगभग 40% परसेंट है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जिसको हम लोग आई भी कहते हैं तो इन कंपैरिजन टू जून 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू विच वॉज रिकॉर्डेड रेट ऑफ थर्टीन रेट था कोर सेक्टर का वो था पॉइंट वन परसेंट और इस बार कितना है इस बार है एट पॉइंट टू परसेंट तो पिछले साल की तुलना में इस बार का ग्रोथ रेट जो है वो कम है अब इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज इज़ पब्लिश बाई अब कौन पब्लिश करता है कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स ये पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्टमेंट ऑफ प्रोमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ठीक है ये क्या करता है ये पब्लिश करता है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज अब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कौन करता है तो इंडेक्स ऑफ प्रोडक् इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पब्लिश होता है ये मंथली पब्लिश होता है किसके द्वारा सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा तो यहां पर कोर सेक्टर 8.2 परसेंट का ग्रोथ रेट जून 2023 में रहा है नेक्स्ट है कंपनीज वि टर्न मोर देन फाइव करोड़ नाउ मैंडेटेड टू जनरेट जीएसटी ई इनवॉइसेस फॉर देयर बी टू बी ट्रांजेक्शन एंड एक्सपोर्ट्स तो यहां कहा जा रहा है कि जिस भी कंपनी का पांच करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है अब उसको ई इन जनरेट करना होगा जीएसटी का किसी भी B2B, B2B का मतलब क्या होता है बिजनेस टू बिजनेस ठीक है एक बिजनेस जब दूसरे बिजनेस से कोई ट्रांजेक्शन करता है किस पे ट्रांजेक्शन या किसी एक्सपोर्ट पे अब ये रूल पहल कब से वैलिड होगा तो ये रूल इफेक्टिव होगा फ्रॉम फर्स्ट अगस्त 2023 अब पहले जो ये रूल अप्लाइड था ये कंपनीज उन कंपनीज़ पे था जिसका एनुअल रिवेन्यू दस करोड़ था या इससे ज़्यादा था अब क्या किया गया है अब घटा कर इसको पांच करोड़ का कर दिया गया है या पांच करोड़ से ज़्यादा अब इससे फ़ायदा क्या होगा इससे फ़ायदा ये होगा कि इट विल बूस्ट टैक्स अब टैक्सेशन टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा क्यों क्योंकि अब बहुत सारे एम जो हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे जब हम लोग इसको पाँच करोड़ पे ले आएंगे तो अब एक्सपेंशन ऑफ ई इनवॉइसेस टू एम एस एम ईज विल इम्प्रूव द फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड रेड्यूस क्रेडिट रिलेटेड इशूज़ अब सवाल उठता है कि ये क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट और क्रेडिट रिलेटेड इशूज़ क्या है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है ये एक जीएसटी है जो कि कोई भी इंसान पर लगता है जिसको टैक्स पे करना है और वो परचेस करता है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज अ जीएसटी पेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन ऑन एनी परचेज ऑफ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस ठीक है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस किस चीज़ के लिए जब करता है यूज फॉर बिजनेस जब ये किसी बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता है वहीं अब ये क्रेडिट रिलेटेड इशूज़ क्या होता है क्रेडिट रिलेटेड इशूज़ होता है कि हो सकता है कि कोई फ्रॉड कर रहा हो या किसी का कहते हैं आइडेंटिटी किसी और का बता रहा हो और पैसा उससे या सामान उससे ले रहा हो तो यहाँ पर आइडेंटिटी का भी थेफ्ट हो सकता है तो इससे बचने के लिए ई इन वॉइस सिंह का प्रावधान किया गया है नेक्स्ट है द फिजिकल डेफिसिट ऑफ इंडिया रीच्ड 25.3 परसेंट एट द एंड ऑफ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री अकॉर्डिंग टू सी जी ए सी जी ए क्या है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट तो सबसे पहले फिजिकल डिफिसिट क्या होता है ये समझ लेते हैं तो फिजकल डिफिसिट जो होता है ये गैप होता है अंतर होता है बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर मतलब सरकार का जो कुल व्यय है और रिवेन्यू के बीच में जितना रिवेन्यू और जितना खर्च है विच इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच गवर्नमेंट नीड्स टू एंड मीट द एक्सपेंसेस जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट का खर्च अगर है एक लाख करोड़ का खर्च है ठीक है और इसको रिवेन्यू जो है ये एक्सपेंडिचर हो गया इसका और रिवेन्यू जो है इसको एट्टी थाउजेंड करोड़ ही है तो इसको कितना बोरो करना होगा इसको बोरो करना होगा ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ दूसरे जगह से ताकि वो उसका जितना भी खर्च है वो उसको पूरा कर सके तो गवर्नमेंट हैज़ एम्ड टू तो रिड्यूस फेस्किल डिफिसिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी तो फोर टू फाइव पॉइंट नाइन परसेंट याद रखिएगा कितना टारगेट किया है टू रेड्यूस फिजिकल डेफिसिट टू 5.9 परसेंट ऑफ जीडीपी जो कि पिछले साल कितना था पिछले साल था 6.4 परसेंट फॉर दी टू ट्वेंटी तो टारगेट कितना है टारगेट है 5.9 इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 नेक्स्ट है इंडिया एंड मलेशिया हैव दैट नाउ ट्रेड यूजिंग द इंडियन रुपी ये इम्पोर्टेंट है ट्रेड यूजिंग द इंडियन रुपी एज अ मोड ऑफ सेटलमेंट अलॉन्ग साइड अदर करेंसी इसका मतलब है पहले जैसे हम लोग आई एम एफ के बास्ट से या डॉलर्स में ही ट्रेड करते थे मलेशिया से या किसी और कंट्री से तो अब इंडिया और मलेशिया ने जो एग्रीमेंट किया है उसमें डॉलर के साथ साथ इंडियन रुपीज़ भी मान्य होगा अब इंडियन रूपी में भी हम लोग ट्रांजेक्शन कर सकेंगे एक दूसरे से इससे क्या होगा इससे काफ़ी आसानी होगी ट्रांजेक्शन करने में और हम दूसरे किसी करेंसी पर यहाँ डिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो अब इसका क्या फ़ायदा है इट विल बूस्ट द बाइलेट्रल ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज मतलब अब इससे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में ट्रेडिंग जो होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा क्यों इट विल रेड्यूस रिलायंस ऑन द यू एस डॉलर एंड रेड्यूस करेंसी रिस्क अब क्या होगा यू डॉलर पर जो डिपेंडेंट थे वो नहीं रहेगा और करेंसी रिस्क कम हो जाएगा करेंसी रिस्क कम कैसे होगा हम लोग देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है कि काफ़ी बार फ्लक्चुएशंस होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ डॉलर और रुपीस के बीच में तो ये फ्लक्चुएस से बचा हुआ रहेगा नेक्स्ट है कंपनीज़ विल बी एबल टू रिड्यूस देयर एक्सपोजर टू करेंसी फ्लक्चुएशंस अब करेंसी फ्लक्चुएशंस के कारण काफी बार क्या होता था प्राइस भी ऊपर नीचे हो जाता था तो अब उस फ्लक्चुएशन से ये लोग बचे रहेंगे नेक्स्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अचीव्ड न्यू रिकॉर्ड ऑफ सिक्स पॉइंट सेवन सेवन करोड़ आई टी आर फाइल्ड फॉर द असेसमेंट ईयर ट्वेंटी 23, 24 रिप्रेजेंटिंग अ ग्रोथ ऑफ 16.1 परसेंट तो इस बार जो असेसमेंट ईयर 2023-24 में जो आई हुआ है इन आई का फुल फॉर्म हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न मतलब जो टैक्स पेयर्स होते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न जो है इस बार के नया रिकॉर्ड बना है जो कि 6.77 करोड़ का है और पिछले साल से ये 16.1 परसेंट का ग्रोथ हुआ है तो 64.33 64.33 एक ही दिन में कितना हुआ था? Lakh ITR file हुआ था था जो कि 31 जुलाई को हुआ था 5.63 करोड़ सिक्स हैव बीन ई वेरीफाइड तो इस बार का ये एक नया रिकॉर्ड है नेक्स्ट है यूपीआई ट्रांजैक्शन यूपीआई जो हम लोग गूगल पे पेटीएम से जो करते हैं उसको यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात हो रही है यूपीआई ट्रांजैक्शंस आई ट्रांजेक्शन सर्ज बाई फोर्टी परसेंट सर्ज मतलब 44 परसेंट इस बार बढ़ गया है रीचिंग 15.34 लाख करोड़ वैल्यू एंड द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस वाज 996 करोड़ तो ये एक रिकॉर्ड डाटा है जो कि यूपीआई ट्रांजैक्शन में बढ़ा है 44 परसेंट इस बार बढ़ा है और कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है इस बार जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो फिफ्टीन पॉइंट थ्री फोर करोड़ का ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू लोगों ने किया है और जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन था कितना ट्रांजेक्शन किया गया तो वो था नाइन सिक्स करोड़ नेक्स्ट रिटेल इन्फ्लेशन इन जुलाई एक्सपीरियंसड रैपिड इंक्रीज रीचिंग सेवन पॉइंट फोर फोर परसेंट द हाइएस्ट सिंस अप्रिल 2022. तो ये रिटेल इन्फ्लेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इससे हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना है तो रिटेल इन्फ्लेशन होता क्या है रिटेल इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नोन एज सी जिसको हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं और ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है इट इज़ द रेट एट विच द प्राइसिस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डेट कंज्यूमर्स बाई फॉर पर्सनल यूज इंक्रीज ओवर टाइम तो रिटेल इन्फ्लेशन या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उस प्राइस को बताता है जिसमें हम लोग उपभोक्ता कोई भी सामान खुद के लिए खरीदता है जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सनल सामान हम लोग खरीद रहे हैं कोई भी कंज्यूमर गुड्स खरीद रहे हैं उपभोक्ता का सामान खरीद रहे हैं तो अगर इसका प्राइस बढ़ रहा है तो वो आ जाएगा सीपीआई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में नेक्स्ट है द इंडियन गवर्नमेंट हैज इंक्रीज विंडफॉल टैक्सेस ठीक है विंडफॉल टैक्सेस क्या होता है ये समझेंगे हम लोग ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल एंड डीजल एक्सपोर्ट्स किस पे विंडफॉल टैक्स बढ़ाया गया है क्रूड ऑयल एंड डीजल एक्सपोर्ट पे बढ़ा दिया गया अब कितना बढ़ाया गया और है और विंडफॉल टैक्स होता क्या है इसको समझते हैं तो विंडफॉल टैक्स इज़ अ हायर टैक्स इम्पोस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज व्हेन दे एक्सपीरियंस अनएक्सपेक्टेड एंड अबव एवरेज प्रॉफिट तो विंडफॉल टैक्स किस पे लगाया जाता है विंडफॉल टैक्स एक हायर टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट लगाती है किसी एक वैसे इंडस्ट्रीज़ पे जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट हो रहा होता है तो जिसमें ज़्यादा प्रॉफ़िट हो रहा है काफ़ी वहाँ पर विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है तो अब क्या टैक्स सेशन में चेंजेस आया था ये देखते हैं द टैक्स हैज़ बिन इंक्रीज फ्रॉम रुपीज़ फोर टू फाइव जीरो पर टन फॉर्मरी टू रुपीज सेवन वन ज़ीरो ज़ीरो पर टन तो पहले क्या था पहले चार हज़ार दो सौ पचास रुपये पर टन लगता था टैक्स अब जो टैक्स लगेगा वो इकहत्तर सौ पर टन लगेगा तो काफी ज्यादा इंक्रीज किया गया टैक्स में और ये टैक्स इफेक्टिव कब से रहेगा ये फिफ्टींथ अगस्त से इफेक्टिव हो जाएगा थैंक यू